देखिए, इस्लाम नगर के आगे कंजाबाग रोड से होते हुए ऐठे तरफ के बसे हुए लोगों को ऐसे हालात हैं, छत के ऊपर बैठे हुए हैं और नीचे सामने वाले घर ऐसे डूब गए हैं जो लोग बहुत परेशान हैं। तो देखिए, पूरा खटीमा डूबा हुआ है और लोग दुमंजिल पर बैठकर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, कोई बचाने के लिए नहीं आया है। तो आप देख सकते हैं, पूरा पानी की पानी, पूरे घर नीचे वाले डूब गए हैं, ऊपर वाले बचे हुए हैं, इसलिए ऊपर बैठे हैं लोग। जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग दुआएं करें कि पानी रोक दे अल्लाह, ऐसे गरीब के हालात क्या होंगे, बेचारे कहाँ जाएंगे और क्या हालात हैं, कैसे गुजारा बसा करेंगे। आप देख सकते हैं पूरे घर डूब गए हैं ऐठे के तरफ, दुआएं करें, आमीन। कोई भी घर से बाहर न निकले और खटीमा की ओर आने की बिल्कुल भी कोशिश न करें। सड़कों में करीबी 5-5 फीट पानी है, कोई भी सड़कों में न आने का प्रयास करें। खटीमा की सड़कें, दो बसों में यात्री फंस चुके हैं जिनको रेस्क्यू के लिए पुलिस और एचईआरएफ की टीम पहुंच चुकी है नाव लेकर। इसलिए सभी लोग अपने अपने घरों में रहें और यात्रा करने से बिल्कुल बचें। एचईआरएफ की टीम मुस्तैद है और क्षेत्रीय प्रशासन भी इसका लगातार मदद कर रही है। यहाँ के लोग भी लगे हैं मदद के लिए, लोग अपने अपने ट्रैक्टर लेकर लगे हैं और इस समय हम लोग भी दो लोगों को रेस्क्यू करके ले आ रहे हैं। अरे यार, नहीं लगे यार, कौन है।